हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर का टेस्टी पराठा। चलिए देखते हैं इसका बनाने की रेसिपी। आलू को हम दो पानी अच्छे से धो लेंगे। धो के इसको कुकर में डालेंगे। तो दो पानी अच्छे से धो लीजिए, फिर कुकर में डालिए। देखिए हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे इसको बॉयल होने के लिए। पानी ज़्यादा ना डालें। और पराठे को टेस्टी बनाना है तो इसमें एक चम्मच नमक डाल दें आलू में बॉयल होते समय। अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे, कि आलू बॉयल हो जाए। आलू को दो सीटी लगा के बॉयल कर लीजिए। देखिए ये आलू बॉयल हो गया है। अब इसको हम छीलेंगे। आलू हम 1 केजी लिए थे, इसके आवश्यकता अनुसार आटा लेंगे तो हम बताएंगे कि कितना आटा लेना है। आलू ज़्यादा गर्म है तो इसमें पानी डाल लें ताकि आलू ठंडा हो जाए, तब छील लेंगे इसको। देखिए ऐसे पानी डाल के धो लें, आलू ठंडा हो गया। अब इसको छीलते हैं। देखिए आलू को हम ऐसे छील लेंगे। अब आलू ठंडा हो गया है, इसको छील लेंगे सारा आलू, फिर इसको भूंजेंगे। देखिए ये आलू छील कर हमने आलू को मिस लिया है अच्छी तरह से। और ये लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट बना लिया है। धनिया काट के रख लिए डालने के लिए ऊपर से। चलिए कढ़ाई में तेल डालते हैं, फ्राई करते हैं। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच मंगरेला डालेंगे। इसको चिककने देंगे तब तक चिकक जाए। देखिए ये हमारा जीरा अजवाइन और मंगरेला सब रेड हो चुका है, भूरा कलर का। अब इसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे। फिर ये पेस्ट जो बनाए हैं लहसुन अदरक मिर्ची का वो डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से। चला चला फ्राई कर लेंगे, कढ़ाई में पकड़े ना ये। देखिए अब ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। जैसे चला चला के फ्राई करें, थोड़ा भूरा कलर का हो जाएगा तो इसमें आलू हम डालेंगे। देखिए अब ये हमारा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। देखिए आप अपने आवश्यकता अनुसार नमक डाल लें, जितना आपको चाहिए टेस्ट के लिए। इसमें नमक ऐड कर लेंगे। इसको ऐसे चला चला कर अच्छे से भूंजिए। देखिए इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए धीरे धीरे। देखिए ये मैं 10 मिनट इसको फ्राई कर ली हूँ। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया काट के रखे थे, हरा धनिया ऐड कर लीजिए। धनिया डालने से बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। देखिए अब हमारा चोखा बन के तैयार हो गया है। अब हम आटा लगाएंगे। आटा आलू के पराठे के साथ खाने के लिए हम धनिया और मूंगफली का चटनी बनाएंगे। देखिए ये धनिया इतना कट कर लिए हैं, ये मूंगफली भूंज लिए हैं, लहसुन और मिर्ची और नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। देखिए धनिया हम डाल दिए, मिर्ची और लहसुन डाल देते हैं। इसी में मूंगफली डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, कुछ नमक इसी में डाल देते हैं, कम होगा तो फिर बाद में डाल देंगे। ये देखिए हमारा चटनी पीस के तैयार हो गया है। अब इसको हम बर्तन में निकालेंगे। आपको अगर खट्टा पसंद है तो थोड़ा सा अमचूर डाल सकते हैं। हम तो अमचूर इसलिए नहीं डाले क्योंकि टमाटर खट्टा है, इसीलिए नहीं डाले।
देखिए हमारा चटनी बन के तैयार हो गया। अब हम आटा लगाएंगे आलू के पराठा के लिए। आटा लगाने के लिए मैं ये 3 टमाटर कट कर ली हूँ। अब इसको मिक्सर में पीसूंगी, फिर हम आटा लगाएंगे। देखिए ये हमारा टमाटर पिसा गया है। अभी इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर आटा लगाएंगे। मैं 1 किलो आटा लिया है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार ही आटा लें, क्योंकि मैं 4-5 6 लोग के लिए बना रही हूँ खाना। आपके घर में जितना सदस्य हो उतना ही आटा लें। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेला, नमक कम ही डालें क्योंकि और नमक हम चोखा में डाल चुके हैं आलू में, इसे नमक कम ही डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी इसी में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, रिफाइंड तेल, क्योंकि तेल डालने से बहुत ही मुलायम पराठा बनेगा, एकदम मुंह में डालते ही घुल जाएगा। थोड़ा सा ही डालेंगे तेल। अब इसमें टमाटर ये पीस लिए, इसी के सहारे इसको गूंदेंगे आटा को। देखिए ये हमने आटा लगा लिया है। देखिए ऐसा आटा लगाना है आपको, ज़्यादा ना कड़ा रहेगा ना ज़्यादा गीला रहेगा। ऐसा आटा लगा लें जाके अच्छी तरह से इसका गोली बन सके। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। देखिए ऐसे लोई करके हम भरेंगे, ऐसे ऐसे करके भरें इसमें। देखिए ऐसे चोखा भराएगा इसमें, ऐसे इसको हम फिल करेंगे इसमें डाल के ऐसे। अगर आपको ऐसे न करने आता हो तो हम दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको कैसे भरेंगे इसमें, कि इसको ऐसे करके ऐसे काट के निकाल देंगे। अब दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। कि देखिए इसको ऐसे करके ऐसे बेल लेंगे थोड़ा सा बड़ा, फिर हम इस पर चोखा रखेंगे, ऐसे चोखा रख देंगे इस पर। फिर हम इसको ऐसे उठा के ऐसे भरेंगे चारों तरफ से, ऐसे 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 फिल करके ऐसे काट लेंगे, फिर इसको बेलेंगे। देखिए ऐसे करके इसको बेलेंगे, कैसे बेलते हैं। इसको हम ऐसे बेलेंगे, देखिए ये हमारा तवा गरम हो गया है। अब इस पर हम आलू पराठा डालेंगे, तब तक दूसरा लोई हम बना लेते हैं। देखिए ये एक तरफ से आ गया है, अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे हम। गैस को थोड़ा तेज ही रहने दें। हम इसको घी लगा के सेक रहे हैं, आप इसमें तेल भी, रिफाइंड तेल भी लगा के सेक सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हमको घी पसंद है तो हम घी लगा रहे हैं। अब आज थोड़ा कम कर दे गैस का, अच्छी तरह से घी चारों तरफ लगा लें। देखिए देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। बहुत ही ये सॉफ्ट और क्रिस्पी होगा, खाते ही मुंह में घुल जाएगा। देखिए ये पराठा हमारे सेका गया है, अब इसको नीचे उतारेंगे, दूसरा पराठा डालेंगे।
आपका पराठा कैसा? ये हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना ये सॉफ्ट बना है, हम इसमें तेल डाल दिए हैं तो कितना क्रिस्पी बना है। आप एक बार इसको ज़रूर टेस्ट करिए और करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और पराठा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।